हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। करण ने अपनी सिस्टर करीना से कौन सा सच छुपाया? फिल्म गुंडे को लेकर कहां और क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट? डेजी शाह ने सलमान खान का कौन सा सीक्रेट किया रिवील? कल रात करीना और सैफ कहां गए? और स्टार चिट चैट में प्रियंका चोपड़ा आज रिवील करेंगी रणवीर और अर्जुन के सीक्रेट्स। आज के बुलेटिन की शुरुआत करीना कपूर से। करण जौहर ने अपनी सिस्टर करीना कपूर से एक बात छिपाई है, या फिर ये कहे एक बात सच नहीं बताई है। Well, जब आप हमारी टॉप स्टोरी देखेंगे तो आप भी कुछ ऐसा ही कहेंगे। करीना कपूर के हाथ से छूटती दिख रही है एक बड़ी अपकमिंग फिल्म। He himself has left the film, which is the sad part. जो फिल्म अब तक करीना के नाम से जुड़ी थी, उससे एक बड़े बॉलीवुड स्टार ने तोड़ लिया है नाता। He himself has left the film, which is the sad part. पर सबसे बड़ा सैड पार्ट तो ये है कि जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत में करीना ने जिस फिल्म को बताया शेल्फ, उसी फिल्म को फ्लोर पर लाने का पक्का इरादा बता दिया है करण जौहर ने। Should he be released on Friday the 25th of December 2015, the lead cast will be announced shortly. जी हाँ, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शुद्धि को शुरू करने का यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद करण जौहर ने किया है, जो शुद्धि के प्रोड्यूसर हैं। और उससे भी ऊपर करीना से सिस्टरली अफेक्शन की बात करण खुद कबूल कर चुके हैं। अगर मेरी छोटी बहन होती, I would hope that she would be just like Kareena. वहीं करीना के लिए भी करण रहे हैं फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है पर्सनली, प्रोफेशनली, मैं उनसे बातचीत करती हूं, एडवाइस देते हैं। लेकिन करीना कपूर और करण जौहर के भाई बहन वाले प्यार में आखिर कहां से आ गया शुद्धि के शेल्व्ड होने का कंफ्यूजन? नो, आई थिंक करण इज क्लियर दैट द फिल्म इज शेल्व्ड। या, इट इज शेल्व्ड एंड so it's not happening, so we won't get to see you again. I guess not. I mean, he himself has left the film, which is the sad part. तो क्या करीना को यंगर सिस्टर मानने वाले करण ने बेबो से भी छुपाकर रखी शुद्धि कंटिन्यू रखने की बात? पर आखिर ऐसा कैसे हो गया कि शुद्धि पर काम करने की जो बात करण इस मैसेज में लोगों को आसानी से बता गए, वो बात उन्होंने करीना को क्यों नहीं बताई? करीना के सामने शुद्धि से रिलेटेड डेवलपमेंट सीक्रेट रखने के पीछे करण के पास कोई बड़ा कारण तो नहीं है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि शुद्धि की फाइनल लीड कास्ट में करीना का नाम ही ना हो? खैर, जो भी हो, पर लगता तो यही है कि शुद्धि का कॉन्सेप्ट पकाने की तैयारी में लगे करण जौहर हो सकता है लीड कास्ट पर दोबारा से गौर कर रहे हों। वैसे भी काफी पहले जब ऋतिक के शुद्धि करने की खबरें थीं, तब करीना का नाम सामने आया था। जबकि इन दिनों र्यूमर मिल्स की माने तो शुद्धि के लिए रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के चर्चे सबसे ज्यादा हैं। वहीं जब फिल्म की रिलीज ही दिसंबर 25, 2015 पर खिसक गई है, तो ऐसे में करण भी जरूर ऐसी किसी जोड़ी को शुद्धि के लिए साइन करना चाहेंगे जो लंबी रेस की जोड़ी हो। वहीं दूसरी तरफ गोरी तेरे प्यार में जैसी फिल्मों से साफ है कि करीना का सक्सेस ग्राफ दीपिका के मुकाबले काफी कमजोर पड़ गया है। तो कहीं यही वजह तो नहीं कि भाई बहन के मजबूत रिश्ते के बावजूद ढीला पड़ता जा रहा है शुद्धि पर करीना का होल्ड? फिल्म इज शेल्व्ड, फिल्म इज शेल्व्ड, फिल्म इज शेल्व्ड। फॉर उद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर पहुंचे अपनी फिल्म गुंडे का रिएक्शन देखने, वो भी लेट नाइट। और यहां दोनों ने एक्सक्लूसिवली जूम से बात करते हुए हमें बताया कि उन्हें क्यों लगता है कि उनकी फिल्म होगी हिट। Well, गुंडे की एंट्री से ऑडियंस के दिल में घंटी बजी की नहीं, ये देखने के लिए रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर खुद पहुंच गए ऑडियंस के बीच है। और इससे पहले वो पहुंचते, जूम भी वहां पहुंच गया। कितने क्विक है ये जूम वाले। स्विफ्ट, स्विफ्ट एंड स्टेल्दी। हमने 15 मिनट पहले डिसाइड किया हमारी एजेंसी में कौन है ये मोल जिन्होंने इनको बताया। Well, काफी वक्त बाद ऑडियंस को ब्रोमांस यानी कि दो हीरोज की कहानी देखने को मिल रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे रणवीर और अर्जुन? I think we have a great legacy of two hero films in our cinema. I think the most iconic films of our cinema are two hero films. Shole, Karan Arjun, Ram Lakhan,
But it's been a while before two young heroes have come together to collaborate on a two-hero film. So I think the anticipation and the excitement builds in that sense. वैसे अर्जुन, आप जिस थिएटर में अपनी फिल्म का रिएक्शन देखने आए हैं, कभी यहाँ आप फिल्म देखने भी आया करते थे क्या? किसी और एक्टर की या किसी और डायरेक्टर की? मैंने यहाँ पे आदित्य चोपड़ा की पिक्चर लगी थी मोहब्बत है। मैंने 800 रुपए में ब्लैक खरीदी थी अपने स्कूल बॉयज के साथ आया था। हाँ, 800 रुपए में ब्लैक ली थी, 10 लोग थे हम लोग। 27th अक्टूबर 2000 में लगी थी पिक्चर, आई रिमेम्बर। मिशन कश्मीर के साथ लगी थी। अली अब्बास जफर, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो थिएटर है जहाँ पे हम लोगों की पिक्चर देखने आते थे और आज हम आए हैं टू सी इट इन दिस थिएटर, सो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। वेल, वी होप कि जैसा आपने मोहब्बतें की टिकट ब्लैक में खरीद कर फिल्म देखी थी, कुछ वैसा ही रिएक्शन ऑडियंस का आपकी इस फिल्म को देखकर भी हो, यानी कि आपकी एंट्री से ऑडियंस के दिलों में भी बजे घंटे। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। करीना कपूर ने पहना सैफ अली खान का कोट। वेल, आखिर करीना को सैफ का कोट क्यों पहनना पड़ा? वॉच आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। जरा देखिए करीना कपूर को, करीना की ड्रेस के साथ ये कोट कुछ मैच नहीं कर रहा है, इजंट इट? वेल, ये कोट दरअसल करीना कपूर का है ही नहीं, ये कोट तो है सैफ अली खान का। जी हाँ, करीना ने सैफ अली खान का कोट पहना हुआ है। दरअसल करीना कपूर और सैफ अली खान पहुंचे थे रणबीर कपूर की बर्थडे पार्टी में। यहां करीना कपूर आई तो अपने नॉर्मल ड्रेस में थी, लेकिन जाते हुए उन्हें ठंड लगने लगी, सो सैफ अली खान ने उन्हें अपना कोट उतार कर दे दिया, जिसके विजुअल्स आपके सामने है कि कैसे सैफ शर्ट में घूम रहे हैं और करीना सैफ का कोट पहनकर। बात करें इस बर्थडे पार्टी की, तो ये एक स्मॉल पार्टी थी जिसमें करीना और सैफ के अलावा करिश्मा कपूर और कुछ फैमिली फ्रेंड्स ही थे। For cameraman Hemant, Zoom, Mumbai. Well, Salman Khan ने smoking छोड़ दी, लेकिन क्यों और किसके लिए, क्या आप ये बात नहीं जानते? Well, अगर नहीं तो Daisy Shaw की इस बात को गौर से सुनिए। फिल्म अभिनेत्री Daisy Shaw ने जब से जय हो में अपना डेब्यू किया है, तब से उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आए हैं। बिहाइंड द कैमरा से इन फ्रंट ऑफ द कैमरा के इस सफर से वो काफी खुश हैं। Recently, Daisy attended a function on quit smoking, where through dance, students appealed to quit smoking. Daisy ने Zoom से खास बातचीत में बताया कि उनके co-actor सलमान खान भी अब smoking से दूर हैं। वो तो incident तो मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने क्यों छोड़ा, पर मुझे उन्होंने ये जरूर बताया, मतलब आज तक यही बोलते कि मैं वो एक बंदा ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे सिगरेट से वाकिफ करवाया है, वो बंदा मिल जाए मुझे बस। तो बस वो एक पहली सिगरेट ही होती है जो हमें टाइम नहीं लगता एडिक्शन को फॉलो करने के लिए। और जैसे मेरा मानना है कि जो दोस्त सिगरेट ऑफर करता है वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। Daisy ने ये भी कहा that she lost her father because he was a chain smoker, and इसलिए वो दुनिया भर में सबसे अपील करना चाहती है to say no to smoking। ज्यादा करके जितनी भी हार्ट डिजीज होती है, या अगर कैंसर बोल लो या हार्ट अटैक्स बोल लो, माई डैड पास्ड अवे बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक। तो और वो चेन स्मोकर थे, उनको एडिक्शन थी वो चीज़ की, जो कि हमने कितना भी बोला उनको छोड़ने के लिए नहीं हुआ, क्योंकि जब तक एक पर्सनल विल नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। द जय हो स्टार और इवन सेड दैट एंटरटेनमेंट के जरिए सोशल मैसेज देना लोगों के दिलों में ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, जहां बात की बात और एंटरटेनमेंट का डोज दोनों मिल जाते हैं। Daisy ने लोगों को एंटी स्मोकिंग कैंपेन से अवेयर होने की सलाह भी दी और कहा यंगस्टर्स को स्मोकिंग से जुड़ी हर बुरी चीज के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में जैसे यंगस्टर्स जो है वो काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं चीजों से, और वही एक एज है जिसके अंदर या तो मतलब एक चूज करना पड़ता है, या तो सही या तो गलत। तो जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो ऑन द रॉन्ग वे, सो दिस इज अ फैंटास्टिक वे टू मेक एन अवेयरनेस अमंगस्ट द यूथ अगेन through entertainment. So the actress is also on the same path just like her co-star, to be a part of social causes and to keep doing the charity. Jo trend Salman Khan ne start kiya tha, Daisy bhi ab usko follow karti nazar aa rahi hai. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. Film Gunde ko lekar hua ek bada protest. Kab, kahan aur kyun? Watch out in this report. फिल्म गुंडे को लेकर हुआ प्रोटेस्ट, बंगाली वर्जन थिएटर्स में नहीं हो पाया रिलीज, गुंडे की वजह से बंगाली फिल्म्स को नहीं मिल रही थी रिलीज। अब खबर जरा डिटेल में।
दरअसल फिल्म गुंडे का बंगाली वर्जन फ्राइडे को रिलीज हुआ कोलकाता में। पूरे 15 थिएटर्स में गुंडे को रिलीज मिली थी, लेकिन रिलीज के कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे गुंडे को काफी प्रोटेस्ट झेलना पड़ा। दरअसल गुंडे के बंगाली वर्जन के रिलीज से पहले ही वहां के बंगाली फिल्म इंडस्ट्री ने काफी प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि गुंडे की वजह से उनकी बंगाली फिल्म्स को रिलीज नहीं मिल रही थी। सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर ओनर्स गुंडे को ही स्क्रीन्स दे रहे थे। ऐसे में जब बंगाली फिल्म्स को छोड़ गुंडे को 15 थिएटर्स में रिलीज मिली, तो वहां के रीजनल सिनेमा के प्रोटेस्ट की वजह से सैटरडे तक गुंडे को उन 15 थिएटर्स से भी उतरना पड़ा। फॉर एलेका श्रीवास्तव, जूम मुंबई। सैफ अली खान की फिल्म बुलेट राजा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। आखिर क्यों नहीं चल पाई ये फिल्म? वेल, इस बात पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर आ गए हैं खुद फिल्म के डायरेक्टर दिग्मांशु धूलिया। यार, समझ में तो मेरे भी नहीं आया। मुझे लगता है उसका प्रमोशन, मुझे लगता है हुआ अच्छा था, लेकिन एक स्मार्ट प्रमोशन होता है, वो नहीं हो पाया। दिग्मांशु की माने तो जहां स्मार्ट प्रमोशन नहीं हो पाया, वहीं दूसरी तरफ सैफ अली खान की ऑडियंस भी फिल्म को देखने के लिए नहीं आई। सैफ की ऑडियंस नहीं घुसी, और तो और उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया कि उनकी फिल्म को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया। लोगों को पसंद नहीं आई इसलिए नहीं चली, उसके पीछे मैं क्या बोल सकता हूँ। दरअसल दिग्मांशु धूलिया एक आर्ट एग्जीबिशन में पहुंचे थे, जहां दिग्मांशु ने आर्ट के लिए अपना लव दिखाया, लेकिन जैसे ही बात बुलेट राजा के फ्लॉप होने की आई, तो उन्होंने दे दी ये पूरी डिटेल्स। यार, समझ में तो मेरे भी नहीं आया। मुझे लगता है उसका प्रमोशन, मुझे लगता है हुआ अच्छा था, लेकिन एक स्मार्ट प्रमोशन होता है, वो नहीं हो पाया। सैफ की ऑडियंस नहीं घुसी, तो लोगों को पसंद नहीं आई इसलिए नहीं चली, उसके पीछे मैं क्या बोल सकता हूँ। वेल, तो क्या यहाँ दिग्मांशु सैफ को ब्लेम कर रहे हैं या फिर खुद की ही कमियाँ निकाल रहे हैं? इस तरह का हम आपको कोई कंक्लूजन नहीं देंगे। आप स्टोरी देखकर खुद ही समझ लीजिए कि दिग्मांशु की नजर में आखिर कौन है वो जिसकी वजह से फिल्म फ्लॉप हुई है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। करीना कपूर रिसेंटली पहुंची एक इवेंट पर। यहां करीना ने अपने और सैफ से जुड़े कुछ ऑब्सेशन बताए, जरा आप भी सुनिए। बॉलीवुड में सबसे खूबसूरत कही जाने वाली अदाकारा करीना कपूर रिसेंटली आइसक्रीम प्रमोट करने के लिए एक इवेंट पर पहुंची। इंडियाज न्यू प्लेजर एम्बेसडर, ये है करीना को दिया गया नया टाइटल, जो उनकी आइसक्रीम फेटिश के मद्देनजर है। क्या कहना था करीना का अपने इस नए टैगलाइन पर और उनकी आइसक्रीम से मोहब्बत पर, आइए जानते हैं। Well, I think that pleasure ambassador, I mean, there's nothing more pleasurable in life than eating Magnum ice cream, or you know, whether it's Belgian chocolate or whether it's the truffle ice cream, it's all, I mean, it's the most pleasurable experience. So that's why I think they've called me and termed me as a pleasure ambassador. And I don't think anyone would mind that, because there's nothing more pleasurable in life than chocolate. बेबो और साइज जीरो फिगर हैज ऑलवेज गॉन हैंड इन हैंड, तो क्या करीना को कैलोरीज की जरा भी फिक्र नहीं है? क्या वो फिर भी आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे? उनका जवाब कुछ ऐसा था। I indulge quite often because I love, I mean, I just love ice creams, especially, I mean, who doesn't? And I'm as normal a girl and I would love to, you know, just eat it every day, but I think twice a week is fine. करीना ने जूम को दिए इस इंटरव्यू में ये भी खुलासा किया that she is mad about junk foods and she eats it on merit. I'm a big junk food, you know, addict. So like lots of French fries and burgers and pizzas and I love all that. एक सेलिब्रिटी होना आसान नहीं होता। करीना ने जूम से बातचीत में कहा that you have to go through a lot of criticism and somehow you are always under the scanner. लेकिन वो फिर भी खुश रहती है। Criticism and praise, I mean, it has to be taken in the same breath. It's like success and failure. So, I mean, I look at it like that. Nothing should be taken too seriously, apart from just being happy. So, folks, this may be the first time that Kareena confessed her love for ice creams and junk food. उनके चाहने वाले, जो अक्सर करीना जैसे दिखने के लिए डाइटिंग का रूट अपनाते हैं, वो करीना के इन जवाबों को सुनकर चैन की सांस ले रहे होंगे। As the beautiful damsel herself promoted ice cream and junk food on the occasion. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की सारी छोटी चटपटी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। बॉलीवुड की बड़ी न्यूज तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चटपटी खबरें देखने में भी काफी इंटरेस्टिंग होती है। इसलिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में।
जॉन विल प्ले नानावाटी। जी हाँ, मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो नानावाटी मर्डर केस पर एक फिल्म बनने जा रही है जिसमें जॉन नानावाटी का किरदार निभाएंगे। बिपाशा बासु टेम्पटेशन टूर को मलेशिया में नहीं कर पाई अटेंड और इसकी वजह है वीजा। दरअसल बिपाशा को इस टूर के लिए वीजा नहीं मिल पाया और इसलिए बिपाशा शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और योयो हनी सिंह के साथ इस टूर में नहीं जा पाए। साजिद खान ने तमन्ना को फिल्म हिम्मतवाला में कास्ट किया था और अब गॉसिप बाजार की खबर ये है कि साजिद और तमन्ना के बीच क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो साजिद तमन्ना का कुछ खास ख्याल रख रहे हैं। वेल नाउ दे आर जस्ट फ्रेंड्स या फिर उससे बढ़कर कुछ और, दिस वी डोंट नो। संजय गुप्ता और विवेक ओबेरॉय में फाइनली हो गई है दोस्ती, क्योंकि जूम को पता चला है कि संजय गुप्ता ने अपनी नेक्स्ट फिल्म में विवेक ओबेरॉय को एक रोल ऑफर किया है। बता दें कि दोनों के बीच काफी वक्त से डिफरेंसेस चल रहे थे और काफी सालों से दोनों ने एक दूसरे के साथ काम भी नहीं किया था। मुंबई में अचानक बारिश की वजह से सलमान खान को हुई प्रॉब्लम। दरअसल सलमान खान मुंबई में सैटरडे को अपनी फिल्म किक की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक बिना मौसम के बरसात हो गई जिससे शूट रुक गया। सलमान और जैकलीन फर्नांडिस का पूरा दिन वेस्ट गया। वेल, स्केड्यूल को अब दो दिन बाद के लिए रखा गया है। शाहरुख खान ने मलेशिया की मीडिया को दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वेल, टेम्पटेशन की इस स्पेशल टूर में शाहरुख खान के साथ माधुरी दीक्षित और योयो हनी सिंह भी थे, जिसकी स्पेशल पिक्चर जूम आपके लिए लेकर आया है। हैव अ लुक। अभिषेक बच्चन नजर आए चैरिटी इवेंट में। वेल, अभिषेक उड़ीसा गए और वहां अभिषेक ने कुछ पेशेंट्स की सेवा भी की, जिसकी पिक्चर्स आपके सामने हैं। वेल, सेलिब्रिटीज का ये स्वीट जेस्चर वाकई काबिले तारीफ है। जैकी भगनानी स्टारर फिल्म यंगस्तान में नजर आएंगे शाहरुख खान। जी हां, जून के सोर्सेज की माने तो शाहरुख फिल्म यंगस्तान में एक केमियो करने वाले हैं। वेल, वाशु भगनानी की तरफ से इस खबर को लेकर कोई कॉन्फर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन सोर्सेज की माने तो फिल्म में नेहा शर्मा शाहरुख की काफी बड़ी फैन होती है और जैकी शाहरुख और नेहा की मुलाकात कराते हैं। शिल्पा शेट्टी ने वर्क किया अपने एब्स पर। जी हाँ, बॉलीवुड में अपने ठुमकों के लिए मशहूर शिल्पा शेट्टी ने रिसेंटली फिल्म ढिशकियों के लिए एक आइटम नंबर शूट किया और इसी के लिए शिल्पा ने काफी दिन तक फिजिकल ट्रेनिंग की ताकि सॉन्ग में उनके एब्स दिख सके सेक्सी। मनाली में कटरीना और ऋतिक की हो रही है बॉन्डिंग। जी हाँ, दोनों गुड फ्रेंड्स मनाली में बैंग बैंग की शूटिंग कर रहे हैं और सेट पर मौजूद लोगों की माने तो दोनों आजकल एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं क्वालिटी टाइम। रणबीर कपूर करेंगे अमिताभ बच्चन की फिल्म में केमियो। वेल, सोर्सेज की माने तो फिल्म भूतनाथ के सीक्वल में रणबीर कपूर का ही किरदार निभाएंगे। बता दें कि अमिताभ बच्चन स्टारर इस फिल्म में शाहरुख खान का भी केमियो है। विद्या बालन का कहना है कि वो नहीं है प्रेग्नेंट। वेल, काफी दिनों से विद्या बालन के प्रेगनेंसी के रूमर्स गॉसिप बाजार में गर्म है, लेकिन अब विद्या ने इन रूमर्स पर दिया है अपना क्लैरिफिकेशन। विद्या की माने तो ये सिर्फ एक फर्टाइल इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है और कुछ नहीं। दीपिका पादुकोण हुई बेहोश। वेल, दीपिका लगातार 30 घंटे तक काम करती रही और फिर अचानक से बेहोश हो गई। ओवरवर्क की वजह से दीपिका फेंटेड, सो डॉक्टर सजेस्टेड हर टू गेट कंप्लीट रेस्ट। शाहरुख खान, माधुरी, रानी, अभिषेक बच्चन और योयो हनी सिंह ने टेम्पटेशन रीलोडेड के लिए किया परफॉर्म, जिसकी परफॉर्मेंस की पिक्चर्स हम प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आपके लिए लेकर आए हैं। हैव अ लुक। ऐश्वर्या, अभिषेक और जया बच्चन इस वीकेंड पहुंचे अनिल अंबानी की एक स्पेशल पार्टी में। वेल, यहां अभिषेक और ऐश्वर्या के साथ जया बच्चन भी पहुंचे, जो एज ऑलवेज मीडिया से बच रही थी। सोहा अली खान और कुणाल खेमू पहुंचे अपने स्कूल का एनुअल डे अटेंड करने और यहां दोनों ने शेयर की अपनी मेमोरीज। रियल लाइफ कपल कुणाल खेमू और सोहा अली खान का लव अफेयर पूरे बी टाउन में फेमस है एंड इवन द कपल हैज ऑलवेज बीन ओपन अबाउट देयर रिलेशनशिप। रिसेंटली एक चिल्ड्रन वेलफेयर एंड एनुअल स्कूल फंक्शन के मौके पर ये लव बर्ड्स एज चीफ गेस्ट नजर आए। इस मौके पर जूम को दिए इस खास इंटरव्यू में कुणाल ने की अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट। मेरी पहली शादी भी इनसे ही होगी। दूसरी का भी इरादा है ना? एक ही होगी मेरे ख्याल से, उसके बाद मैं बचूंगा नहीं। तो जी हां, होपफुली बचने वाले नहीं हो शायद इस इंटरव्यू के बाद। कुणाल ने शादी के लिए तो हाँ बोल दिया, लेकिन जब सोहा से पूछा गया कि कुणाल की स्कूल में कितनी गर्लफ्रेंड्स थी और उन्होंने कभी इस बारे में जिक्र किया है, तो कुणाल ने फौरन इसका जवाब कुछ इस तरह दिया। कुणाल ने कितनी लड़कियों को पटाया था? कितनी? ये बातें कोई बताता? कुछ बिल्कुल नहीं। पहली गर्लफ्रेंड और मैं बिल्कुल बुद्धू हूँ। ये जानते नहीं थे आप इनके बारे में। कुणाल और सोहा दोनों का इस इवेंट में शरीक होने का मकसद था सेव एनिमल्स कैंपेन को प्रमोट करना और साथ ही साथ इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को बरकरार रखने की गुहार करना। एनुअल डे फंक्शन पर मौजूद ये दोनों काफी नॉस्टैल्जिक भी दिखाई दिए। बहुत एंजॉय किया। सबसे पहले हमें एक स्किट देखने को मिला और फिर एक डांस परफॉर्मेंस। और एक्चुअली ये 33rd एनुअल डे सेलिब्रेशन है चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी का। स्कूल की पुरानी यादें ताजा करने के साथ साथ अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करने का ये काफी अच्छा मौका था। साथ ही साथ जूम को अपनी शादी की खबर देने वाले ये लव बर्ड्स खुद अपनी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड भी नजर आए।
फॉर चेतना सिंह, जूम मुंबई। अमीषा पटेल फाइनली अपनी मच अवेटेड फिल्म देसी मैजिक के साथ बॉलीवुड में एक बार फिर से एंट्री करने के लिए तैयार है। इस वीकेंड अमीषा ने अपनी फिल्म देसी मैजिक का किया म्यूजिक लॉन्च, और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस म्यूजिक लॉन्च के कुछ खास ग्लिम्सेस। It's a very tough experience because not only am I playing a double role for the first time with two completely opposite characters, but also as a producer it's very hard. But I'm enjoying every minute of it. बहुत सारे magics हैं कि मैं खुद एक magic हूँ. Okay. So desi magic always happens because wherever there is desi, magic is always there. So desi desi लड़कियाँ, desi प्रेम, छत का प्रेम, खेत के अंदर का प्रेम. This film is it's a film that's based on you know a very like upbeat, cool kind of urban centric and you know pan India, pan international. So I think it's catering to a wide spectrum of audience, this film. I have to say you know it's never easy for you know to be first time producers, Amisha and Kunal. I've worn that hat. It's not easy at all. But I can tell you that they've been doing a fabulous job. यंगिस्तान के साथ बॉलीवुड में एक बार फिर से एंट्री करने वाले एक्टर जैकी भगनानी का मानना है कि बॉलीवुड में नहीं है यूनिटी. आखिर क्यों सोचते हैं जैकी ऐसा? वॉच आउट इन दिस रिपोर्ट. जैकी भगनानी और नेहा शर्मा लाना चाहते हैं बॉलीवुड में कुछ चेंजेस. अपनी फिल्म यंगिस्तान में जैकी भगनानी बने हैं लीडर. अब फिल्म में तो जैकी अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट सारे काम करेंगे, मगर रियल लाइफ में अगर जैकी को एक मौका दिया जाए बॉलीवुड में चेंज लाने का, तो वो क्या चेंज करेंगे? आई थिंक वी आर रनिंग प्रीटी वेल, अगर लेकिन मुझे अगर एक चीज सोचनी है और पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना है, सो आई थिंक आई वुड जस्ट वर्क ऑन यूनिटी. एवरीथिंग एल्स इज फाइन. आई थिंक वी आर ग्रोइंग एज अ इंडस्ट्री. हमारे यू नो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं. आई जस्ट फील एज यू नो दैट, बट दैट्स माय इंडिविजुअल कॉल. जहां जैकी बॉलीवुड में यूनिटी लाना चाहते हैं, वहीं नेहा स्टार किड्स के ट्रेंड को चेंज करना चाहती है. आई एम एन आउटसाइडर, तो मेरे हिसाब से नेपोटिज्म कम होना चाहिए. मैं इसका बेटा हूँ, उसकी बहन हूँ, उसका नेफ्यू हूँ, उसका सो एंड सो हूँ. तो आई थिंक कास्टिंग शुड बी फेयर एंड इट शुड बी devoid of kiska relationship kiske sath. So I think that's one thing that bothers me as an outsider, so I would like to change that. So I mean friend, I would want to tell you to finger at me. No indirectly. No, we hope aap dono ki ye wishes jald se jald puri ho jaye aur dono ki film Yangistan bhi hit ho jaye, kyunki ye film us waqt release ho rahi hai jab India ki rajneeti kafi garam hai. For Chetna Singh, Zoom Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. और अब वक्त है स्टार चिट चैट का, और आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा से. विक्रम और बारा के काले जिस्मों का दिल, गुलाबी दिल. गुलाबी. यह प्रियंका चोपड़ा इनसे मिल. हाय प्रियंका, वेलकम टू ज़ूम. थैंक यू कुनाल, हाउ आर यू? आई एम फाइन. आई एम फाइन. ये बताइए कि गुंडे की गुंडी हैं आप? गुंडों की गुंडी? गुंडों की गुंडी. सिर्फ एक गुंडे से क्या फायदा जी? मेरे जैसे गुंडी के लिए तो दो चाहिए. दो चाहिए. सबसे पावरफुल इन तीनों में से अगर किसी का भी गुंडेगिरी मान ली जाए तो प्रियंका चोपड़ा की है. अरे मैं गुंडी लगती हूँ क्या? बिल्कुल नहीं. ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल सीधी लगी. जो कहा था आपने, क्या बोला था? मैस विद द चोपड़ा एंड माय हैंड विल सी योर कोपरा. इसलिए मैं बहुत डरा डरा सा, मैं बहुत शांति से और बहुत ही सभ्यता से सवाल आपसे. अरे बाप रे, ये सभ्यता मैंने जिंदगी में नहीं देखी कुणाल के साथ. ओह माय. इस बार आज मैं बिल्कुल मैं प्रण करके आया हूँ कि जो टाइटल है उसके बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल जो गुंडे टाइटल है तो संत बनकर मैं आई हूँ अपना कॉलर ऊपर करके कि आप मुझसे पूछ गुंडे स्टाइल. ये बताइए कितने लोगों के दिलों में घंटियाँ बजा रही हैं? आप अब दो लोग हैं या बाकी और भी कुछ जो सेट पे मौजूद थे सबके दिलों में घंटियां बज गई? मेरे आसपास दो से फायदा क्या होगा?
We talk in numbers, you know. Not number. As plural. Always. Yes. So Priyanka, ये बताइए कि ये जो फिल्म थी आपकी, दो कैरेक्टर्स हैं आपके, दो लोग आपसे प्यार करते हैं, जैसे आपने कहा कि नंबर्स तो काफी कम हो गए, डायरेक्टर को 5-6 लोग और बुला लेने चाहिए थे कि 6-7 मल्टी स्टारर के पीछे थे, काफी 30-40 की लाइन लगी थी. किसका दिल सबसे ज्यादा करीब है प्रियंका चोपड़ा के, अर्जुन या रणबीर? अरे इतने फॉर्चुनेट अगर वो दोनों होते तो फिर तो बात ही अलग है. आपके ट्विटर के एक फैन ने आपसे एक सवाल भी पूछा है कि जो आपने फायर हुला लूप जो किया था वो कैसे किया, वो जानना चाहते हैं. अरे मेरे बाल जल गए थे, यू नो रियली, बिकॉज उस हुला लूप पे आग लगाई तो मैं भी बड़ा यू नो टशन में आई कि ऑफ कोर्स और इसने दाएं हाथ का खेला. हुला लूप तो आता है मुझे करना, लेकिन आग के साथ मैंने एक लड़की को करते हुए देखा, उसने बोला यू विल बी एबल टू डू इट प्रियंका, फ्रेंच थी वो, मैंने बोला यार ऑफ कोर्स आई कैन हुला लूप. तो उसको पकड़ा एकदम वो यू नो घासलेट की स्मेल आ रही क्योंकि उसके ऊपर केरोसिन डाल के उसको आग लगाना पड़ता है. सो जब वो मेरे ऊपर आया मैं थोड़ी सी वीक हो गई थी, लेकिन अब इतने सारे लोगों के सामने इतना बोल दिया था ताड़ में आके कि चॉप नहीं हो सकती थी मेरी. तो मैंने बोला ओके आई कैन डू दिस, करना ही पड़ा. फिर उसके चक्कर में जब वो आग लगाई उन्होंने, यू नो कुणाल, माई इंटायर बॉडी वॉज हॉट बिकॉज द फायर वॉज सो क्लोज टू मी. आई मीन यू मूव इट, इधर तक आता ना आग और मेरे बाल बाल भी जल गए. काफ़ी ड्रामेटिक सिचुएशन था. सब ठीक ठाक है? हाँ, उसके बाद बाल्टी से पानी डाला ना मेरे ऊपर, देखा नहीं गाने में क्योंकि पानी आता है, उसके पानी भी आ गया तो आग भी बुझ गई. लेकिन जो आग आप स्क्रीन पर लगा रही हैं वो बुझना मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल है. लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्ट को. नामुमकिन है. नामुमकिन है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है. वॉट इज दैट योर ऑब्सेशन विद 70s के ऊपर बेस्ड आप ये फिल्म कर रही हैं? 70 की बनी हुई अमिताभ बच्चन की कई सारी फिल्में, डॉन, अगली पत, ये सारे का रीमेक आप कर चुकी है, क्या थॉट है? 70 का दशक. मैं तो मिस्टर बच्चन से ऑब्सेस्ड हूँ, वो मेरे फेवरेट हैं, तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उनकी रीमेक्स करने को मिली. लेकिन 70 के दशक से एक्चुअली रणवीर काफ़ी ऑब्सेस्ड है, वो पैदा ही हुआ है उस दशक में और वहीं फंस गया है. उसको गलती से 2014 में भेज दिया किसी ने. वो एक्चुअली बेल बॉटम्स और प्लेड शर्ट्स पहन के बेरे के साथ वो सेट पर भी आता है, शूटिंग के लिए नहीं, जस्ट उसका फैशन स्टाइल है. इज़ द परफेक्ट मनमोहन देसाई. हाँ, बट नॉट इन 2014 ना, मे बी इन 1975. बट आई थिंक 70s वॉज अ वेरी कूल टाइम फैशन के लिए भी, और आजकल अब 2000s में देखें तो रेट्रो इज वेरी शीक. सो आई थिंक जब लोग कहते हैं गुंडे के बारे में, जब वो गुंडे को देखते हैं तो कहते हैं यू नो उस जमाने की फिल्मों की याद दिलाता है, जैसे काला पत्थर, दीवार, यू नो शोले, दैट वाइब इज़ देयर. ट्रेन है, कोयला है, यू नो लड़के हैं, एक यू नो हीरोइन डांस करी है. बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज ये फिल्म उस दौरान बेस्ड है. प्रियंका बताइए, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है किसी की दो लड़के एक साथ प्रियंका की अटेंशन के लिए वो कर रहे हो, फाइट कर रहे हो? जी हुआ है. कब हुआ था ये? काफ़ी बार हुआ है, मतलब इंडस्ट्री में अभी हाल के दिनों में भी हो रहा है? इंडस्ट्री में भी हुआ है और मतलब होता ही है ना. नाम तो बिल्कुल, जैसे मतलब मैं किसी चीज़ का नाम देती हूँ आपको? कभी नहीं, कभी. कितने सालों का एक्सपीरियंस है? कभी नहीं, कभी नहीं. बहुत बताइए, आज की तारीख में अगर हम जो गुंडे को अगर हमें वापस बनाना हो और इसमें दो हीरोइंस को रखना हो और एक हीरो को रखना हो, कास्टिंग बदल जाए, तो प्रियंका चोपड़ा की कास्टिंग क्या हो? दो हीरोइंस को रखना हो तो आई वुड से दीपिका एंड मी. आई थिंक हम दोनों काफ़ी गुंडियाँ हैं एंड प्लस वी गेट अलॉन्ग रियली वेल, तो मज़ा भी आएगा. एंड अगर हीरो होता है रणवीर और अर्जुन में से किसी को भी चूज कर लो, सेम सेम. दोनों मेरे दोस्त हैं, दोनों गुंडे हैं, इट विल बी ओके. हमने सुना कि रणवीर सिंह की एनर्जी काफ़ी हाई रहती है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा की एनर्जी भी कुछ कम नहीं है, तो कौन सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक सेट पर रहता था? रणवीर सिंह. लेकिन वो ना उनको स्लीपिंग टैबलेट देना चाहिए तब जाके वो नॉर्मल होते हैं, क्योंकि उनके ऐसे जब कॉफ़ी पी के हो जाते ना, ऐसे चलो 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 ऐसे हो जाते हैं वो थोड़े से ना, तो उनको बोले शांत, गदाधारी भीम, शॉट देना है, सांस ले ले थोड़ी सी. उनकी प्रॉब्लम वो हाइपर एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव. जितना मुझे याद है कि 2012 में जब आपने बर्फी की थी, तब बर्फी के लिए आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया था, यू रियली वॉन्टेड एन अवार्ड फॉर दैट पर्टिकुलर मूवी. डू यू थिंक इज द सेम विद गुंडे? आई गॉट अ फ्यू अवार्ड्स फॉर बर्फी एंड अ फ्यू आई डिडंट. बट नो, मैं अवार्ड्स देख के फिल्म नहीं करती. जब मैंने बर्फी की थी, फॉर मी आई न्यू कि वो एक ऐसा रोल है जो एक एक्टर की ज़िंदगी में आप एक ही बार कर सकते हो, एंड यू हैव टू डू इट विद द राइट डायरेक्टर, एंड अनुराग फॉर मी वॉज अ राइट डायरेक्टर. द कास्ट वॉज करेक्ट विद रणबीर एंड इलियाना, यू नो. और आफ्टर आई सॉ द फिल्म एंड एवरीथिंग, एंड आई फेल्ट दैट या इट वॉज अ रियली गुड परफॉर्मेंस, बट आई एम नॉट थिंकिंग लाइक दैट
I don't think like that with films generally. वो तो बाद की बात देखी जाएगी, फिल्म चले तो सही पहले. People have to like the movie first. चाहते हैं कि फिल्म चल जाए. जैसे प्रियंका चोपड़ा इतने सालों से इंडस्ट्री में रूल करते आई, जब आपने शुरू किया था तब आपके आसपास कुछ और हीरोइंस ने शुरू किया था, जैसे ऐशा देवल हो गई, लारा दत्ता हो गई, बिपाशा बासु हो गई, मेरे ख्याल से ग्रेसी सिंह उसी टाइम पर आई थी, लेकिन सिर्फ एक लड़की जो है वहाँ पर, जो उस साल में 2003 में जब डेब्यू करके आई, कैटरीना और मैं एक साथ एक ही साल में आए थे 2003. हमारी पहली फिल्म एक साथ आई थी और हम दोनों अभी भी यहीं हैं. फिर करीना वॉज जस्ट अबाउट थ्री इयर्स ओल्ड इन फिल्म दैट टाइम जब हमारी फिल्म आई थी, वो भी हैं अभी यहाँ पे. ऐसा थोड़ी ना होता है. सस्टेन करना एक अलग बात होती है, रूल करने का अलग बात होती है. प्रियंका रूल थोड़ा मंत्रा बताइए, मतलब नहीं, आई डोंट नो. अभी आपको तो वो तो हीरो से सीखना पड़ेगा जो 20-25 साल यहाँ पे रूल करते हैं. इनफैक्ट नाउ इवन एक्ट्रेसेस कैन, इफ़ यू कैन सी माधुरी, यू कैन सी काजोल, यू कैन सी ऐश्वर्या, सो मेनी एक्ट्रेसेस यू नो डिस्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड वो तभी भी रूल करती हैं. एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा दौर है फिल्मों के लिए, एक्टर्स के लिए, कि अगर आप अच्छा काम करें और ऑडियंस आपको पसंद करे, क्योंकि इवेंचुअली दर्शक का हुक्म सर आँखों पर. नहीं, दर्शकों का हमारा दिल आप तोड़ तो नहीं देंगे, जब आपकी शादी हो जाएगी तो शादी के बाद आप एक्टिंग तो नहीं छोड़ देंगी? देखिए, ऐसा प्रे कीजिए कि कोई ऐसा मियाँ ना मिले मुझे जो बोले कि नहीं आप काम नहीं कर सकती. नहीं, वो तो आपने क्लियरली कर दिया कि आप इंडस्ट्री के किसी भी लड़के से. कभी नहीं बोला, मुझे ये पता नहीं कौन होगा, मेरे लायक होना चाहिए. वो बड़ा मुश्किल है थोड़ा सा. वो बड़ा मुश्किल है. अच्छा, आपकी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई. वो तो आप कितनी बार बोल चुकी हैं आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई. लोग अपने स्टैंडर्ड बढ़ाने के चक्कर में लोग ढूंढे कहीं स्टैंडर्ड मिलते, प्रियंका चोपड़ा कहीं खरीद लिए जाए इस तरह से कि मैं उस स्टैंडर्ड. प्रियंका के स्टैंडर्ड्स हैं क्या? प्रियंका स्टैंडर्ड्स हैं क्या? प्रियंका ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा एक्टर है हॉलीवुड का जिसके लिए आप बॉलीवुड की दुनिया को छोड़ देंगी? कोई भी नहीं. कोई भी नहीं किसी चीज़ के लिए बॉलीवुड का नहीं छोड़ूंगी मैं. आई लव हिंदी फिल्म्स. अगर मैंने अभी मैं जब एले जाती हूँ अपना म्यूजिक का काम करने के लिए, अगर मैं कुछ यू नो डांस नहीं करवाऊँ ना, अगर जैसे टंग 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 नहीं की मैंने एटलीस्ट 6 महीने में 2 बार नहीं हुआ मुझसे, तो मैं बड़ी मेरा रेस्ट नहीं होता मुझसे, तो मैं शोज़ करने लगती हूँ. आई हैव टू डू लटके झटके के बिना हिंदी फिल्म हीरोइन क्या हुई? मसाला चाहिए आपको लटके. 100% हो सकता है फिल्में करूँ मैं, वहाँ पे कुछ और काम करूँ, जैसे मैं अभी अपना म्यूजिक कर रही हूँ, हो सकता है मैं कुछ भी और करूँ, लेकिन हिंदी फिल्में तो भाई हिंदी. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में. अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, अगर आपने हमारा शो मिस कर दिया है तो डोंट वरी, क्योंकि अब हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे शो का कंप्लीट रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में. सो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि निकल ना जाए कहीं पीबी एक्सप्रेस. एक्टर जैकी भगनानी इन दिनों अपनी फिल्म यंगिस्तान को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. जैकी को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. जैकी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि बॉलीवुड में यूनिटी की कमी है, कैंप्स एंड ग्रुप्स की वजह से ये इंडस्ट्री कई हिस्सों में डिवाइड हो गई है और वो चाहते हैं कि बॉलीवुड को यूनाइटेड रहना चाहिए. लव बर्ड सुहा अली खान और कुणाल खेमू ने अपनी शादी की खबरों पर भले ही कभी कोई बात न की हो, बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग पब्लिक अपीयरेंसेस दोनों ने कभी एतराज नहीं जताया है. रिसेंटली द कपल वाज सीन टुगेदर इन अ स्कूल एनुअल डे फंक्शन वेयर दे रीलिव्ड द डेज ऑफ देयर स्कूल लाइफ. जैकी भगनानी स्टारर फिल्म यंगिस्तान में नजर आएंगे शाहरुख खान. जी हाँ, जूम के सोर्सेज की माने तो शाहरुख फिल्म यंगिस्तान में एक केमियो करने वाले हैं. वेल, वाशु भगनानी की तरफ से इस खबर को लेकर कोई कॉन्फर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन सोर्सेज की माने तो फिल्म में नेहा शर्मा शाहरुख की काफी बड़ी फैन होती है और जैकी शाहरुख और नेहा की मुलाकात कराते हैं. डायरेक्टर और एक्टर तिग्मांशु धूलिया ने कहा है कि बुलेट राजा इसीलिए फ्लॉप हुई क्योंकि वो टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच सके और सैफ अली खान के फैंस थिएटर्स तक नहीं पहुंच सके. तिग्मांशु ने ये भी कहा है कि वो फिल्म के प्रमोशन से काफी नाराज हैं. द प्रमोशन टीम डिड नॉट हेल्प हिम द वे ही वांटेड. फिल्म गुंडे के रिलीज के बाद भी फिल्म को लेकर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही है. रिसेंटली द फिल्म वाज रिलीज्ड इन कोलकाता इन ऑलमोस्ट 15 थिएटर्स, बट द पीपल इन कोलकाता प्रोटेस्टेड फॉर द फिल्म, हेंस द फिल्म हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम ऑल द थिएटर्स. फिल्म से जुड़े लोग इस गुत्थी को सॉल्व करने के चक्कर में लगे हुए हैं. वेटरन एक्टर रणधीर कपूर के बर्थडे बैश में हुई काफी सारी मस्ती. सैफ अली खान, करीना कपूर और करिश्मा कपूर ने पार्टी में काफी रौनक डाली. करीना कपूर वाज स्पॉटेड वेयरिंग सैफ अली खान्स ब्लेजर एंड वाज चिट-चैटिंग विद द कपल एट लेंथ. अभिनेत्री डेजी शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इट वाज बिकॉज ऑफ स्मोकिंग शी लॉस्ट हर फादर. शी इज आल्सो वेरी हैप्पी दैट हर को एक्टर सलमान खान हैज क्विट स्मोकिंग. शी आल्सो स्टेटेड दैट स्मोकिंग करने वालों को वो किस नहीं करते. इट्स अ टर्न ऑफ फॉर हर. इन अ कैंडिड चैट शी मेंशन दैट हर लाइफ आफ्टर जय हो हैज चेंज्ड कंप्लीटली.
फिल्म गुंडे की रिलीज को कोलकाता में भले ही रोक दिया गया हो, लेकिन और शहरों में फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है। फिल्म के लीड एक्टर्स अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह ने हाल ही में थिएटर्स विजिट किए और अपनी फिल्म पर मिले अच्छे फीडबैक से बहुत खुश दिखाई दिए। अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली की प्रेम कहानी का एक और प्रूफ सामने आ गया है। अनुष्का शर्मा इन दिनों फिल्म NH10 की शूटिंग में व्यस्त हैं। सूत्रों के मुताबिक फिल्म के सेट्स पर अनुष्का को विराट से वीडियो चैट करते हुए स्पॉट किया गया है। एज पर सोर्सेज, अनुष्का सेट्स पर एक स्पॉट बॉय को अपना फोन दे देती है, जो उनके फोन को नेटवर्क एक्सेस एरिया में लेकर जाता था, एंड देन शी यूज्ड टू चैट विद विराट। हाल ही में जूम को दिए गए एक इंटरव्यू में करीना कपूर ने फिल्म शुद्धि से जुड़ी मिसकम्युनिकेशन को हाईलाइट करते हुए कहा है कि फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने पहले ही फिल्म को बंद कर दिया था। That's why she said that she is not a part of the film. But to this statement of Kareena, करण जौहर wrote on his social networking page that the film will get released. Well, आज का बॉलीवुड डोज इतना ही, but don't worry, we will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.